हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरा सारा काम हो गया है, मतलब क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और तब तक मेरा बेटा अर्पित भी उठ गया है, तो मैं अर्पित को यहाँ पर डलिया खिला रही हूँ। बोला आमी डालिया डालिया बोले वो बोले तुमरा बोलो तुमरा तुमरा ब्रेकफास्ट करो करो बोला आमी बोलो बोला आमी आमी ब्रेकफास्ट करे ची आमी ब्रेकफास्ट करे तुमरा সবাই সবাই ব্রেকফাস্ট করো। এবার বলো টাটা টাটা। अर्पित को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, सब्जी काट रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे घर के अंदर कितना धूप आ रहा है, तो मैं धूप में बैठ के सब्जी काट लेती हूँ। और धूप की वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि मैं क्या काट रही हूँ। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ गोभी, और आज मैं बनाऊँगी लंच में गोभी की सब्जी, मसाला गोभी और टमाटर आलू की सब्जी और चावल, और कुछ नहीं। मैं बस सिंपल तरीके से आज अपना लंच बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर गोभी को छोटे छोटे करके काट रही हूँ, और गोभी के साथ मैं छोटे छोटे करके 2 आलू भी काटूंगी और 1 शिमला मिर्च डालूंगी इसमें, वो भी एक साथ ही मैं काट के एक साथ ही डालूंगी। और 1 गाजर डालूंगी और कुछ प्याज डालूंगी, 2-3 प्याज, और सबको एक साथ ही मैं काट के फिर फ्राई करके बनाऊँगी। तो यही सब मैं कर रही हूँ, काट रही हूँ, और अर्पित देखिए बक बक कर रहा है।
सब्जी काटने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चावल चढ़ा दिया है और मैं इधर कुकर में आलू बॉयल की है और मुझे चाहिए टमाटर और आलू की जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसके लिए। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी मैं बनाऊंगी गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी की सब्ज़ी के लिए जो मसाला चाहिए मतलब लहसुन अदरक, उसका पेस्ट मैं वैसे बना कर रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन इस टाइम मेरा बना हुआ नहीं था तो मैंने सोचा सिलबट्टे में पीसने के बजाय मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। और ये जो मेरा कद्दूकस है ना तो वो बहुत ही घना होता है, बहुत मतलब एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और थोड़ा सा काली जीरा डाला है। और अर्पित मुझे बहुत परेशान कर रहा था तो मैं उसको भी देख रही थी इधर उधर कर रहा था, उसके पापा तो ड्यूटी चला गया है तो मुझे ही देखना पड़ता है। और देखिए ये सब मैंने काट के जो रखा था उसको मैं इधर डाल देती हूँ एक साथ। तो अभी मैं डालती हूँ यहाँ पर नमक, ये अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप लोगों को जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। और डालती हूँ मैं नमक और हल्दी और सबको मैं एक साथ मिला लेती हूँ। और जो अकेले रहते हैं ना मतलब अकेले सिंगल रहते हैं उसके लिए ये क्रशर ना बहुत अच्छा होगा, ये कद्दूकस बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये छोटा सा है लेकिन बहुत मुझे काम आता है। जब मैं खरीद रही थी ना तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा इतना काम आएगा। आज बहुत शैतानी कर रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा है। देखिए मेरा ट्राइपॉड लेके भाग रहा है, कभी रो रहा है, मुझे काम बिल्कुल नहीं करने दे रहा है। बोले तो समय के तुम्हें बदमाशी को अच्छा तुम बैठ पर है या तुम ना गुड बॉय आपको गुड बॉय ना बैठ पर गुड बॉय एक गुड बॉय है और गुड बॉय देखिए क्या करता है। गुड बॉय कदम दाओ आ की मिट्टी तो मैं सारे अदरक और लहसुन को इस तरह से घिस के पेस्ट जैसा बना लूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, देखिए अर्पित नीचे बैठा हुआ है और देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है ना, लगता है कि एकदम पेस्ट किया हुआ है। तो अभी मैं मसाले को रेडी कर लेती हूँ और इसमें मैं मिलाती हूँ 2-3 चम्मच, मैं थोड़ा छोटा सा चम्मच है तो मैंने 2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप लोग जितना तीखा खाते हो उतना डालिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं एक मसाले का पेस्ट जैसा बना लेती हूँ। अब मैं इसको डाल दूँगी सब्जी में। सब्ज़ी मैं डाल देती हूँ, मैं सब्ज़ी मतलब मेरा आधा पक भी चुका है और फ्राई भी हो चुका है। गोभी सारे सब्ज़ी एक साथ ही मैंने डाला है, प्याज सब कुछ मैं एक साथ काट के ही रखी थी और बहुत जल्दी भी बन जाता है सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद मुझे बताना कैसे बने हैं। तो मैं उधर मेरा चावल डाल देती हूँ, मैं पानी गर्म हो चुका है। अब मैं सब्ज़ी में टमाटर का प्यूरी डालूंगी और इस कद्दूकस से ही मैं अपना टमाटर की जो प्यूरी है वो बनाऊंगी और इससे बहुत अच्छी प्यूरी बनती है। तो आप लोगों के पास अगर वो जो चीज़ डालने का जो क्रशर है उससे भी आप लोग ट्राई कीजिए। ये उस तरह का ही है मतलब उससे थोड़ा सा छोटा है लेकिन उससे भी शायद बन जाएगा, मैंने ट्राई नहीं किया है लेकिन बन जाएगा शायद। देखिए कितना अच्छा प्यूरी बना है। तो इसमें मैं प्यूरी को डाल देती हूँ, देखिए कितना छोटा छोटा है। थोड़े से मसाले के लिए ना मुझे मिक्सर लगाने की बिल्कुल मन नहीं करता है, इसीलिए मैं इस तरह से बना लेती हूँ। जब इतना इजीली बन भी जाता है तो क्यों मैं मिक्सर का यूज़ करूँ, तो इसीलिए मैं इस तरह से बना लेती हूँ।
और चावल लगभग पक चुका है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अब मैं डालती हूँ इसमें थोड़ी सी इलायची, एक इलायची है उसको मैंने एक थोड़ा सा पेस्ट जैसा बनाया है, और मैं इसको डाल देती हूँ। और बीच बीच में अर्पित मेरे गोदी में आ रहा था, पता नहीं आज क्या हुआ है उसको, उसको देखना है सारे सब्जी क्या बना रही हूँ क्या नहीं। कभी कभी वो बोलने लगता है मुझे गोदी में लेकर ही करो जो सब्जी है, मुझे सब कुछ देखना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सारे मसाले मेरा पक चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से पानी डालिएगा, जितना ग्रेवी चाहिए और जितना सूखा पसंद करते हैं वैसा ही रखिएगा। ऐसे ये सब्जी सूखा सूखा भी बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी क्योंकि मैं टमाटर और आलू की जो सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें मैं ग्रेवी रखूँगी, तो चावल हमारा उससे ही हम खाएंगे ज़्यादा, और ये सूखा सूखा सब्ज़ी रहेगा साथ में और हो जाएगा हमारा आज का लंच। तो मैं ढक देती हूँ और थोड़ी देर पकाऊँगी, हो जाएगा। देखिए सब्जी हमारा पक चुका है और कितना अच्छा कलर आया है। मैं इतना सा ही ग्रेवी रखूँगी। अब मैं सब्जी को निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, और इसके बाद मैं बनाऊँगी टमाटर और आलू की सब्जी। तो टमाटर आलू की सब्जी भी मेरा बन गया है, और मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ मसाला वो मैं डालती हूँ। अगर इसकी भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, मैं कभी शेयर कर दूंगी। इसमें मैं भुना हुआ मसाला ही डालती हूँ, कोई अदरक लहसुन नहीं डालती हूँ, और बहुत अच्छी टेस्टी जो है सब्जी बनती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए मेरा सब्जी रेडी हो गया है, टमाटर आलू की सब्जी, और इसकी ग्रेवी मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखी हूँ। और ये है मेरा चावल, गरम गरम चावल भी बन गया है, और ये रही आलू गोभी की सब्जी। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।